चाय को छोड़कर रोज टी का सेवन बचाती है, कई बीमारियों से करती है वजन भी कम। चाय का सेवन भारत में दिल खोलकर किया जाता है, फिर चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक गर्मी की तपती दोपहर में भी इसका सेवन लोग आए करते हैं, जैसे कि शरीर को ठंडक पहुँचने वाला कोई पेय पी रहे हो। चाय का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना अच्छा नहीं होता है। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि चाय का सेवन करने से कैंसर की बीमारी हो जाती है, यह कैंसरकारी होती है, पर लोग हैं कि इसका सेवन करना छोड़ते ही नहीं है क्योंकि उनको इसकी लत लग चुकी है। आज हम आपको बहुत ही शानदार रोज टी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके चाय के शौक को भी पूरा कर देगा और साथ ही आपको कैंसर की बीमारी भी नहीं होने देगा। इस टी के सेवन यानी इसी चाय के सेवन से आपको शारीरिक और पर ही नहीं मानसिक और पर भी कई फायदे होंगे जो कि आपको बीमारियों से बचा कर रखेंगे और आपको चाय की आदत को भी नहीं बदलना पड़ेगा। यदि कुछ बदलना होगा तो आपकी चाय को रोज टी एक हर्बल चाय है जिसे गुलाब की पत्तियों से तैयार किया जाता है। इसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पाचन क्रिया के सुचारू संचालन के लिए लाभदायक होते हैं और इसकी खुशबू तनाव को कम करने के साथ साथ आपके मूड को बेहतर बनाती है। रोज टी इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो वजन कम करने में हमारी मदद करते हैं। अपने डाययूरेटिक गुणों यानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में मूत्र बनाने के गुण के कारण यह यूरिनरी ट्रैक के किसी भी तरह के संक्रमण से बचाती है। रोज टी शरीर से टॉक्सिन निकालने में सक्षम है जिसकी वजह से शरीर डिटॉक्स होता रहता है और इससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। यह एक कैफीन रहित पेय है जो स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अच्छी है। चाय पीने से आपका पेट भरा हुआ लगता है लेकिन वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर इसकी जगह जब आपके पास एक स्वस्थ विकल्प है तो आपको जरूर आजमाना चाहिए। रोज टी इम्यूनिटी को बढ़ाती है जिससे आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी अधिक होती है जो आपको विभिन्न संक्रमणों से बचाता है।